नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फरकाबाद से। बिजली विभाग के संविदा कर्मियों ने की हड़ताल, 3 माह से वेतन न मिलने के कारण संविदा कर्मियों ने हड़ताल की। वहीं संविदा कर्मी 3 माह से वेतन न मिलने से भुखमरी की कगार पर पहुंचे। अधिकारियों के बार बार आश्वासन के बाद भी वेतन नहीं मिला। बता दें संविदा कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। जब तक वेतन नहीं तब तक काम नहीं का नारे के साथ हड़ताल जारी है। वहीं जनपद के सभी उपखंडों में संविदा कर्मी हड़ताल पर बैठे। फरखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कंचन प्रकाश। क्या मामला है आपका? आप लोग हड़ताल पे बैठे? मामला ये है, 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। सारे अधिकारी लोग कह देते हैं आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, सुबह को आ जाएगी, शाम को आ जाएगी, दोपहर में आ जाएगी, साली पता नहीं कितने घन आ जाएगी। कुछ समझ में नहीं आता कितने घन आएगी। 3 महीने से चूतिया बना रहे हैं। एचसीएन साहब, एसडीओ साहब ने 10 दिन पहले बोला था बकरीद वाले दिन कि जो है सोमवार मंगल तक जरूर आ जाएगी, लेकिन आज 12वां दिन हो गया, अभी तक नहीं आई। और जब तक हम लोगों की सैलरी आई नहींगी तब तक ये निश्चितकालीन हड़ताल यहीं पे ऐसी चलती है। तो आपने पूरा चक्का जाम कर दिया है? पूरा चक्का जाम है, कोई भी कार नहीं करेगा, कोई भी संविदा कर्मी नहीं कर। तो कितने फीटर बंद है यहाँ पे? हमारे पूरा बिजली घर बंद है इस समय। कमाल इनका। कितने गाँव, कितने फीटर है टोटल? टोटल 5 फीटर है। 5 फीटर टोटल बंद कर दिए। तो इसमें संविदा कर्मी है आप लोग? सारे संविदा कर्मी लोग हैं, 45 कर्मचारी हैं। अगर आपकी मांगे न मांगे फिर क्या करेंगे हम लोग? ऐसे निश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहेंगे।